हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल माइंड सर बुक में। दोस्तों, आज की ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ तीन ऐसे बेस्ट एप्लीकेशन जो आप इंडिया के किसी भी कोने में आप रहते हो, आप यहाँ से जो है इंस्टेंट घर बैठे जो है बस कुछ KYC डॉक्यूमेंट के ऊपर लोन ले सकते हैं। आप इन एप्लीकेशन से मैक्सिमम 1 लाख तक का जो है लोन ले सकते हैं और मिनिमम आपको यहाँ पर 1000 का जो है लोन मिलने वाला है। जितनी भी एप्लीकेशन के बारे में इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ, इन सभी एप्लीकेशन में आपको कोई भी इनकम प्रूफ देने की ज़रूरत नहीं है, ना ही आपको यहाँ पे सैलरी स्लिप अपलोड करने की ज़रूरत है। लेकिन आपको ये ज़रूर ध्यान रखना होगा कि आपके पास इनकम का सोर्स जो है ज़रूर होना चाहिए। अगर आप एक सैलरीड प्रोफेशनल है, आप यहाँ पर अपना सैलरी स्लिप भी अपलोड कर सकते हैं। दोस्तों, ये वीडियो आप सभी का बहुत ही ज़्यादा हेल्प करने वाला है। यहाँ पे मैं इन तीनों एप्लीकेशन को कंपेयर करने वाला हूँ आपके लिए कि कौन सा आपके लिए बेस्ट एप्लीकेशन रहेगा और कितना जो है आपको यहाँ से लोन मिलने वाला है। दोस्तों, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, जैसा कि स्क्रीन के ऊपर आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे mindsurbook.com ये एक वेबसाइट है जो कि आप सभी के लिए मैं यहाँ पे पोस्ट अपडेट करते रहता हूँ, जो कि आपको लोन लेने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करती है। तो अगर आप चाहें इस वेबसाइट के ऊपर भी विजिट कर सकते हैं और यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग आप अगर आप एलिजिबल हैं तो लोन के लिए अप्लाई भी कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, वीडियो में आप आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कौन सा एप्लीकेशन है। तो सबसे पहले इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले मैं बात करने वाला हूँ कैशबिन लोन एप्लीकेशन के बारे में। अब दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोग ये बोलेंगे कि मैं वीडियो को बार बार रिपीट कर, लेकिन आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा कि मैंने आपको जो कल वीडियो दी थी वहाँ पर मैंने लाइव लोन अप्लाई करके जो है दिखाया था। आज की इस वीडियो में मैं आपको कंपेयर करने वाला हूँ कि कौन सा लोन एप्लीकेशन आपके लिए जो है बेस्ट रहेगा। तो सबसे यहाँ पे तीसरे नंबर पे जो लोन एप्लीकेशन है वो है कैशबिन लोन एप्लीकेशन। जैसा कि आपने कल देखा, मैंने लाइव जो है लोन अप्लाई भी किया था, तो वो लोन का मुझे जो है डिसबर्समेंट मिला कि नहीं मिला आपको इस वीडियो में भी देखने के लिए मिल जाएगा। अब यहाँ पे दोस्तों, मैं अगर इस एप्लीकेशन को ओपन करता हूँ तो जैसे कि आप स्क्रीन के ऊपर आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर मैंने कल ही आपको बताया था कि आप यहाँ पर 50,000 तक का लोन बहुत ही आसानी से ले सकते हैं। यहाँ पे जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। यहाँ पे अगर आप पूरे ऑल ओवर इंडिया में कहीं से भी बिलोंग करते हो, आप आसानी से लोन ले सकते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये रहा और यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स जो है ये कुछ आपको अपलोड करने हैं। तो ये बेस्ट एप्लीकेशन है मेरे हिसाब से, लेकिन इसे मैं तीसरे नंबर पर अभी रखता हूँ। लास्ट में हम कंपेयर करके देखेंगे कि कौन सा एप्लीकेशन आपके लिए बेस्ट रहेगा। अब दोस्तों, यहाँ पर मैं दिखा दूँ आपको, कल मैंने जो लोन अप्लाई किया था तो उसका डिसबर्समेंट मुझे मिला है या कि नहीं मिला है। तब इसे मैं ओपन करता हूँ। यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर आप देख पा रहे हैं कि मुझे जो है लोन डिसबर्समेंट ऑलरेडी मिल चुका है। यहाँ पे मैंने 3500 का जो है लोन अप्लाई किया था, जो कि आपके सामने में है। मुझे ऑलरेडी डिसबर्समेंट कल ही मिल चुका है और मुझे 15 डेज का यहाँ पर टाइम भी मिला हुआ है, और लोन जो मैं रीपेमेंट करूँगा 15 डेज के बाद मुझे 4025 रुपये का जो है करना पड़ेगा। अब इसको थोड़ा कंपेयर करते हैं हम। यहाँ पे लोन का रीपेमेंट करने का जो तरीका है वो बहुत ही इजी है। आप थर्ड पार्टी सॉल्यूशन के ज़रिए भी यहाँ पे लोन का रीपेमेंट कर सकते हैं। इसके अगर हम फ़ी की बात करें, प्रोसेसिंग फ़ी की बात, तो यहाँ पे जैसा कि स्क्रीन के ऊपर आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे मुझे 15 डेज के लिए 3500 रुपीज़ का 400 का प्रोसेसिंग फ़ी लगता है। इसका 18% GST भी लगने वाला है उस प्रोसेसिंग फ़ी पे, यानी कि टोटल 471 रुपीज़ मुझे जो है सिर्फ और सिर्फ प्रोसेसिंग फ़ी जो है लगने वाला है। रेट ऑफ इंटरेस्ट मुझे यहाँ पे 54 रुपीज़ का जो है लगने वाला है। तो टोटल यहाँ पे 4025 रुपये का पेमेंट मुझे 15 दिनों के बाद इन्हें पे करने हैं। अब दूसरे नंबर पे बात करते हैं एप्लीकेशन की। अब जैसे कि यहाँ पे हम जाते हैं, यहाँ पे दूसरे नंबर पे जो लोन एप्लीकेशन है ये है स्मार्ट कॉइन। अब स्मार्ट कॉइन के बारे में भी आप सभी जो है ऑलरेडी जानते होंगे। यहाँ पे अगर आप इस एप्लीकेशन से लोन लेने वाले हैं तो यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है देख लेते हैं। दोस्तों, यहाँ पे इस एप्लीकेशन से आप मैक्सिमम 25,000 तक का लोन फ़िलहाल अभी ले सकते हैं और मैक्सिमम रीपेमेंट का समय आपको 3 मंथ से 4 मंथ का यहाँ पर मिलने वाला है। यहाँ पर मैक्सिमम जो आपको इंटरेस्ट लगने वाला है पर एनम, वो ईयरली 36% का आपको यहाँ पे लगने वाला है। अब दोस्तों, देखते हैं यहाँ पे आपको कैसे जो है अप्लाई करना है, आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है क्या होगी। जैसा कि स्क्रीन के ऊपर आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने होंगे वो होंगे यहाँ पे पैन कार्ड, एड्रेस प्रूफ, बैंक स्टेटमेंट और सेल्फी। यहाँ पे आप अगर सैलरीड प्रोफेशनल या सेल्फ एम्प्लॉयड कोई भी हैं तो आप इस एप्लीकेशन से लोन ले सकते हैं, लेकिन आपको ध्यान में रखना होगा कि वो जो भी आपका इनकम है वो आपके बैंक के अंदर ट्रांजेक्ट होना चाहिए, क्योंकि उसी के सोर्स के ऊपर, उसी के हिसाब से आपको लोन एलिजिबिलिटी जो है यहाँ पे मिलती है।
अब दोस्तों, अगर आप स्मार्ट कॉइन से कांटेक्ट करना चाहते हैं, क्योंकि बार बार मुझे हमेशा कमेंट्स रिसीव होते हैं कि स्मार्ट कॉइन से कांटेक्ट करना है, तो आप यहाँ पे मेल कर सकते हैं इन्हें। मेल आईडी आपको जो है यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है। अब दोस्तों, यहाँ पे अगर इस एप्लीकेशन को कंपेयर करें बाकी के एप्लीकेशन से, इसे मैं ओपन करता हूँ। यहाँ पे इस एप्लीकेशन को ओपन होने के बाद मैं दिखाता हूँ यहाँ पे मुझे कितना जो है लोन मिला हुआ है और रीपेमेंट क्या करना होगा। दोस्तों, अगर आपको याद होगा, मैंने आपको वीडियो में बताया था कि स्मार्ट कॉइन का प्रोसेसिंग फ़ी जो है अभी बढ़ गया है, तो यहाँ पे उस समय मैंने जो है लोन अप्लाई किया था, मुझे ऑलरेडी लोन मिला हुआ है। अब दोस्तों, यहाँ पे जैसा कि स्क्रीन के ऊपर आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे 10,000 का लोन मैंने अप्लाई किया था, जो कि मेरे अकाउंट में ऑलरेडी डिसबर्स हो चुका है यहाँ पे 31 मई को। 2 मंथ के लिए मुझे जो है यहाँ पे लोन मिला हुआ है। प्रोसेसिंग फ़ी जो है थोड़ा बढ़ गया है, जैसा कि स्क्रीन के ऊपर आप देख पा रहे हैं, 1475 रुपये डिडक्ट हो जाएंगे जब भी आप 10,000 का लोन लेंगे। आपके अकाउंट में जो लोन अमाउंट डिसबर्स होगा वो 1400 समथिंग जो है डिडक्ट होके ही होगा। तो यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको पर मंथ 3% का लगने वाला है। दोस्तों, यहाँ पे 10,000 का जो लोन मैंने लिया है, उसे रीपेमेंट करने के लिए जैसा कि स्क्रीन के ऊपर आप देख पा रहे हैं, मुझे 2 मंथ का टाइम मिला हुआ है। पहले मंथ में मैं जो है 5,226 रुपये करके 2 बार में इसे पे कर सकता हूँ। तो अगर आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे लोन को लेने के लिए जो मुझे चार्ज लगा है प्रोसेसिंग फ़ी के नाम पे, वो लगा है 1475 रुपये का, जो कि आपके स्क्रीन के ऊपर है। लेकिन जब मैं उसे रीपेमेंट करता हूँ तो मुझे यहाँ पे अप्रोक्सीमेट 500 का और मुझे यहाँ पे का 500 एक्स्ट्रा और पे करने होंगे। साथ ही साथ मैं अगर इसे पे करूँगा तो मेरे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बैंक ट्रांसफ़र, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, वॉलेट और UPI। अब यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे बैंक ट्रांसफ़र करता हूँ, मुझे कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं पे करना है। लेकिन डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड से करता हूँ तो 62 रुपये मुझे हैंडलिंग चार्ज जो कि इनका है वो देना होगा। नेट बैंकिंग में 25 रुपीज़ समथिंग। वॉलेट से अगर मैं पे करता हूँ किसी, तो यहाँ पे 100 समथिंग जो है पे करना होगा। तो ये एक्स्ट्रा चार्जेज हैं आपको लोन को रीपेमेंट करने के लिए जो है देने होंगे। एक बहुत अच्छी चीज़ यहाँ पे स्मार्ट कॉइन ने अपडेट करी है कि पहले जो है हमें पेमेंट करके उनका रेफरेंस नंबर डालना होता था, लेकिन अब आपके पास ऑप्शन है, आप बहुत ही इजीली पे कर सकते हैं। अब दोस्तों, हम बढ़ते हैं अगले लोन एप्लीकेशन की तरफ। तो पहले मैं प्ले स्टोर के ऊपर जाता हूँ। सबसे पहला जो लोन एप्लीकेशन है, आप सभी ने आइडिया जो है लगा लिया होगा मैं किसकी बात कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे बात करने वाला हूँ क्रेडिट बी की। दोस्तों, क्रेडिट बी के बारे में ऑलरेडी आप जानते होंगे, लेकिन मैं इस वीडियो में कंपेयर करने वाला हूँ सिर्फ। तो यहाँ पे रीड मोर पे हम जाते हैं। तो यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर आप देख पा रहे हैं, अगर मैं यहाँ से लोन लेना चाहता हूँ तो मैक्सिमम ही मैं यहाँ पे 1 लाख तक का जो है लोन ले सकता हूँ। अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करूँ तो इंडियन सिटीजन होने चाहिए, एज कम से कम 18 साल से ज़्यादा होनी चाहिए और इनकम का सोर्स जरूर जो है होना चाहिए। यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स में ये सारी चीज़ें यहाँ पे दी हुई है, जैसे कि आईडी एड्रेस प्रूफ आपको अपलोड करना है, बैंक स्टेटमेंट अपलोड करना है। अगर आप एक सैलरी प्रोफेशनल हैं तो आप अपना सैलरी स्लिप भी अपलोड कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पे अभी फ़िलहाल सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए मैक्सिमम 35,000 तक का जो है लोन क्रेडिट भी प्रोवाइड कर रहा है, लेकिन अगर आप एक सैलरी प्रोफेशनल हैं तो आपको यहां से 1 लाख तक का जो है लोन इजीली मिल जाएगा। आई एम श्योर आप सभी को जो है ज़रूर पता होगा। अब मैं यहां पे इस एप्लीकेशन को ओपन करता हूं। यहां पे ओपन करने के बाद जो मैंने यहां पे लोन लिया हुआ है उसका डिटेल मैं आपको यहां पे दिखाता हूं। अब जैसे ये एप्लीकेशन अभी ओपन हो रहा है, अभी आपके सामने में है स्क्रीन, यहाँ पर मैंने 15,000 का लोन जो है लिया हुआ था, जो कि स्क्रीन के ऊपर आपको दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पर 15,000 का जो लोन मैं लेता हूँ, इसके लिए मुझे 3 मंथ का टाइम जो है मिला हुआ है, आपके स्क्रीन के ऊपर आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पे 3 मंथ में मैं इसे पे कर सकता हूँ, जो कि मैंने यहाँ पे पहले ऑलरेडी पे कर दिया है। अब 5 जुलाई को जो है दूसरा रीपेमेंट का समय आ रहा है, उस समय जो है मुझे पे करना है। एनीवे, आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर प्रोसेसिंग फ़ी देखते हैं क्या है इस एप्लीकेशन का। अब दोस्तों, यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे मुझे 15,000 के लोन में मुझे जो डिसबर्समेंट मिला है वो मिला है यहाँ पे, अगर आप देख पा रहे हैं, 13,820 रुपये। यहाँ पे 1,000 का मुझे प्रोसेसिंग फ़ी जो है लग गया है। तो टोटल यहाँ पे मुझे कंप्लीट फ़ी जो लगने वाला है वो 1,121 रुपये का जो है लगने वाला है। तो यहाँ पे एक अप्रॉक्सीमेट 1,200 रुपये जो है डिडक्ट हो जाएंगे आपके उस अकाउंट से, और आपको यहाँ पे 13,800 समथिंग रुपीज़ जो है मिलने वाला है, जो कि आपके अकाउंट में डिसबर्स होगा। अब यहाँ पे जब आप लोन को रीपेमेंट करेंगे तो भी आपको ध्यान देना होगा कि आपने 15,000 का लोन लिया था, लेकिन आपको 3 मंथ में यहाँ पे 300 एक्स्ट्रा और यहाँ पे 500 एक्स्ट्रा पे करने हैं। तो यहाँ पे 300 600 हो गया और यहाँ पे 500, ऑलमोस्ट यहाँ पे 1200 रुपीज़ आपको एक्स्ट्रा
प्री पेमेंट के समय लगेगा। तो यहाँ पे टोटल आपने जैसा कि स्क्रीन के ऊपर आप देखा अपने 1200 रुपये यहाँ पर आपको लगने वाला है जब डिडक्ट होके आपको लोन आपके अकाउंट में आएगा। उसके बाद जब आप उसे रीपेमेंट करेंगे तो भी आपको चार्ज जो है लगने वाला है। अब इसके अलावा जो चार्ज लगने वाला है, जैसे ही आप रीपेमेंट करेंगे तो आपको यहाँ पे नेट बैंकिंग, बैंक ट्रांसफ़र और वॉलेट का जो है ऑप्शन दिखाई देगा। यहाँ पे कैश डिपॉजिट आप जो है फ्री में कर सकते हैं, कोई भी कन्वीनियंस चार्ज आपको नहीं लगेगा। लेकिन अगर आप डेबिट कार्ड नेट बैंकिंग से करते हैं, बैंक ट्रांजेक्शन्स करते हैं, वॉलेट के जरिए करते हैं, तो आपको एक्स्ट्रा जो है ज़रूर पे करने होंगे। तो जैसा कि स्क्रीन के ऊपर आपने देखा, मैंने यहाँ पे तीनों एप्लीकेशन को आपको 1 by 1 जो है कंपेयर करके दिखाया। यहाँ पे दोस्तों मेरे कंपेयर करने का जो मेन मोटिव था वो ये था कि आपको कितना जो है चार्ज लग रहा है। तो आई एम श्योर आपको थोड़ा सा जो है ज़रूर क्लियर हो गया होगा कि आपके लिए कौन सा लोन एप्लीकेशन जो है बेस्ट है। मुझे अभी भी लग रहा है कि क्रेडिट भी जो है अभी बहुत ही अच्छा लोन एप्लीकेशन है, जो कि बहुत ही अच्छा सर्विस प्रोवाइड कर रहा है और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी इनका काफ़ी जो है ऑलमोस्ट बराबर ही है, लेकिन इनका जो है थोड़ा सा कम है। सो फ्रेंड्स, ये था छोटा सा अपडेट आप सभी के लिए आज के इस वीडियो में। जैसा कि आपने देखा आपके लिए कौन सा बेस्ट एप्लीकेशन है। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो प्लीज़ इसे लाइक करिए, अपने फ्रेंड को शेयर करिए, और अगर अभी तक आपने माइंड सर्वर के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि फ्यूचर में आपको ऐसे ही लोन से रिलेटेड अपडेट हमेशा इस चैनल के ऊपर देखने के लिए मिलती रहेंगी। तो यहाँ पे 3 बेस्ट एप्लीकेशन जो है मैंने आपको बताया, जो कि आपके लिए बहुत ही बेस्ट रहेगा अगर आप इंडिया के किसी भी कोने से बिलोंग करते हो। दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलता हूँ दोस्तों फिर आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।